कटान रोकने के लिए स्थायी समाधान हेतु प्लान तैयार करें। हरदोई बेलग्राम जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ तहसील बेलग्राम में गंगा नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ की कटान से प्रभावित होने वाले संवेदनशील ग्राम कटरी परसोला घासी रामपुरवा तथा उम्मीदपुरवा तक कटान रोकने हेतु शारदा नहर विभाग द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत बाढ़ सुरक्षा परियोजना के तहत परक्यूपाइन स्पर का कराए कार्यों तथा राजघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि विगत 10-15 वर्षों में गंगा के कटान से कटरी क्षेत्र के लगभग 15 से 16 गांव तथा ग्रामीणों की खेती योग्य भूमि गंगा में चली गई है, जिससे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता शारदा नहर अखिलेश गौतम को निर्देश दिए कि किसानों की जमीन एवं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कटान रोकने के लिए स्थायी समाधान हेतु प्लान तैयार करें, जिससे ग्रामीणों की भूमि को बचाया जा सके। राजघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी ने श्री गौतम को निर्देश दिए कि इस स्थान पर घाट बनाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित होकर यहां आए और स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी बेलग्राम राहुल कश्यप विश्वकर्मा तथा जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे। कटरी बिछुरिया गांव स्थित राजघाट जो गंगा के किनारे है, इसका हमने और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। ये गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और गांव के बहुत सारे किसानों की ज़मीनें गंगा की कटान से प्रभावित हुई हैं। उसी को हम लोगों ने देखा। आज गांव के लोगों से बातचीत किया, गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि इसके लिए एक ठोस प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जिससे गाँव का जो किसान प्रभावित है उसको हम रोक सकें। गंगा के पानी से जो किसानों की ज़मीनें गई हैं उसको हम पहले वाली स्थिति में ला सकें, गंगा का जो पानी है वो रिस्टोर हो सके, जो उसका मेन स्ट्रीम है उसमें जा सके और जो किसानों की ज़मीनें गई हुई हैं वो ज़मीनें वापस आ सकें, जिससे किसान हमारी खेती कर सकें और राजघाट चूँकि एक अच्छा पर्यटक हब बन सके, इसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। सिंचाई विभाग को इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमने कहा।